इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है। दैट वर्क्स वेरी फास्ट, जो कि कैसे काम करती है, बहुत ही फास्ट काम करती है, जल्दी काम खत्म कर देती है, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करती है। एंड और डज नॉट मेक मिस्टेक्स, और कोई मिस्टेक्स, कोई गलतियां भी नहीं करती, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बहुत ही फास्ट वर्क करती है, जल्दी काम करती है एंड कोई मिस्टेक्स भी नहीं करती। इट कैन बी यूज, उसको हम यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम उसके अंदर स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। हमने जो भी उसमें वर्क किया है, जो भी हमने डाटा डाला है, जो भी हमने उसमें टाइप किया है, इंफॉर्मेशन डाली है, उसको क्या करते हैं, उसमें हम स्टोर कर देते हैं, उसमें सेव कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है, ओके। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्ले गेम्स, और हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वॉच मूवीज, मूवीज देखते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, और जब हमें किसी के पास कोई मेल भेजनी है, कोई मैसेज भेजना है, तो वो हम सेंड भेजते भी हैं और रिसीव देखते भी हैं, किसी ने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजी है, मैसेज भेजा है। ड्रॉ पिक्चर्स एंड सॉल्व सम्स, उस पे हम पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं, उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं, पेंसिल का ऑप्शन होता है, आप वहां से पिक करते हो पेंसिल, देन ड्रॉ, फिर उसमें कलर्स भी होते हैं, पिक कलर एंड फिल द कलर, है ना। तो हम उसमें क्या करते हैं, पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं और अपने जो सम्स होते हैं, मैथ्स के सम है, फॉर एग्जाम्पल प्लस का है आपका, एडिशन का कोई सम है, आपने नंबर राइट किया वहां पे 4, देन प्लस का मार्क, हमारे उसमें सभी मार्क भी राइट होते हैं, आपने प्लस का मार्क उठाया, उस पर लगाया, देन 5 इज इक्वल टू, उसमें आंसर भी आ जाता है आपका, ठीक है। तो हम उसमें सम्स भी सॉल्व करते हैं, पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं। अ कंप्यूटर कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर बहुत सारी चीजें करता है, दैट यू कैन ऑल्सो डू, जो कि आप भी करते हो, बट अ कंप्यूटर कांट थिंक लाइक यू, लेकिन कंप्यूटर बहुत ऐसे काम करता है जो हम भी करते हैं, हम नोटबुक्स में या ड्राइंग बुक में ड्रॉ भी करते हैं, कलर भी करते हैं, मैथ्स के सम भी सॉल्व करते हैं, है ना, करते हैं ना, मैसेजेस भी हम चिट्ठी जैसे इसको हम बोलते थे, लेटर वो भी हम राइट करके पोस्ट करते थे पहले, तो जो हम वर्क करते हैं वो कंप्यूटर भी वर्क करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारा ब्रेन है जिससे हम सोचते हैं, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन कंप्यूटर सोचता नहीं है, वो एक मशीन है जिसमें कि हमने गलत छीन दिया है तो वो उसको राइट और रॉन्ग बता देगा या फिर उसको सॉल्व कर देगा, उसका सिर्फ इतना काम है, वो बाकी एक्सपर्ट नहीं सोचता है कि हमें इसको कैसे करना चाहिए और क्या किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अब ह्यूमन बॉडी जो हमारी बॉडी है इसके डिफरेंट पार्ट्स है, हैंड्स, लेग्स, स्टमक, शोल्डर, हेड, हेयर, आईज, नोज, बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, ईच पार्ट हैज अ स्पेशल वर्क टू डू, हर हिस्से का अपना एक स्पेशल वर्क होता है, वो अपना एक उसका एक अलग काम होता है। हैंड्स का है, इससे हम चीजें उठाते हैं, राइट करते हैं, वर्क करते हैं, लेग्स इससे हम चलते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, तो हर पार्ट का अपना अपना अलग अलग काम होता है। लाइक ह्यूमन, इंसान की तरह, अ कंप्यूटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट, कंप्यूटर भी ह्यूमन बॉडी की तरह, कंप्यूटर में भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके भी अलग अलग हिस्से होते हैं। ऑल दीज पार्ट टूगेदर मेक अ कंप्यूटर वर्क, और जब हम इन सभी पार्ट को इकट्ठा कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, और वो क्या बन जाता है, हमारा कंप्यूटर
इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो समझ आया आज आपको इंट्रोडक्शन क्या क्या आता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बहुत फास्ट वर्क करती है और कोई मिस्टेक्स नहीं करती है, लेकिन कंप्यूटर ह्यूमन की तरह थिंक नहीं करती है, सोचती नहीं। और कंप्यूटर के अंदर हम लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ डाटा सेव करते हैं। क्लियर? तो आज आपको ये, अगर आपके घर में कंप्यूटर है या फिर अपनी कंप्यूटर बुक में कंप्यूटर देखोगे कि उसमें उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसको रिवाइज करना है, ठीक है। इसको आप राइट भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, या फिर जो हमने यहाँ पे राइट किया है इसको रीड करके आपको अपनी बुक्स में भी जो भी राइट चैप्टर में राइट है उसको रीड करना और समझने की कोशिश करना। क्लियर? थैंक यू, बाय बाय।